हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 में चैप्टर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं। इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने मीनिंग क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का और ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन के वो डिस्कस किया था, और आज इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कस करने जा रही हूं, और इसी तरीके से बाकी भी जितने भी चैप्टर के टॉपिक हैं वो भी हम वन बाय वन आगे नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं उसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस वगैरह कैसे पुट अप होते हैं, और साथ ही साथ क्लास 12th आगे जो फिजिकल एजुकेशन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी आपको सारे टॉपिक, वर्कशीट्स, MCQs ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए 11th और 12th दोनों की ही फिजिकल एजुकेशन के लिए ये चैनल काफी हेल्पफुल रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इन सबके लिए फिजिकल एजुकेशन मेन एम करता है कि वो इन सारी चीजों के डेवलपमेंट में ध्यान दे। अब हम पढ़ते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके करिक्यूलम में इसको क्यों एड ऑन किया गया। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप क्रिएटिविटी। फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक बच्चे में क्रिएटिविटी इंजेक्ट करता है, एक बच्चा क्रिएटिव वे में अलर्ट वे में काम को कर सके, इस तरह से मेन फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव माना जाए या इम्पोर्टेंस मानी जाए कि एक बच्चे में किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके उसके क्रिएटिव आइडियाज को लेकर, तो ये इम्पोर्टेंस आपकी फिजिकल एजुकेशन की। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिमम हेल्थ। फिजिकल एजुकेशन मेनली कॉन्सेंट्रेट ही फिजिकल हेल्थ पे करता है, एक शारीरिक विकास या एक अच्छी हेल्थ इस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो बिल्कुल अलग अलग एक्सरसाइज वगैरह जो आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं या अलग अलग टेक्निक्स जो पढ़ते हैं उससे एक जो पर्सन है उसकी हेल्थ में डेवलपमेंट हो पाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड वन इज डेवलप हेल्दी लिविंग। एक जो हेल्दी लिविंग है बच्चे में वो डेवलप हो पाती है कि किस तरीके से हेल्थ को फैमिली से कैसे रिएक्ट करना है, कम्युनिटी में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ जीनी है, एक हेल्दी लिविंग जीनी है, तो वो चीज आइडिया आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट वगैरह आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं जो कि एक तरीके से आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से एक स्वस्थ लाइफ जो है वो आप जी सकें। देन है इम्प्रूव फिजिकल एफिशिएंसी। इट गाइड्स अ पर्सन हाउ टू इम्प्रूव हिज फिजिकल फिटनेस एंड एफिशिएंसी। अलग अलग एक्सरसाइज वगैरह, अलग अलग टेस्ट के जरिए एक बच्चा या एक पर्सन ये जान पाता है कि कितना फिट है वो और उसे कितना फिट होने की जरूरत है, और अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जो कि ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी को, एक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट हेल्थ। इट गिव्स नॉलेज अबाउट हाइजीन। अलग अलग चैप्टर ऐसे हैं आपके इसमें जिसमें आप हाइजीन के बारे में, डाइट के बारे में, किस तरीके से आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह से अपने एक्सरसाइज को या पूरे दिन के स्केड्यूल को रखें, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं इसमें। अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, इंजरी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स में हेल्प करती है। तो नॉलेज अबाउट हेल्थ, आपको अपनी ही हेल्थ के बारे में काफी कुछ सीखने मिलता है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, जिससे आगे जाके कोई हेल्थ प्रॉब्लम अगर है तो आप उसे अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। तो ये चीज फिजिकल एजुकेशन में रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इट गिव्स अस एक्सपीरियंस ऑफ अ हेल्दी लिविंग इन प्रैक्टिकल फॉर्म विच इज वेरी हेल्पफुल इन लाइफ। आपको एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स की हेल्प से आप जान पाते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से स्पोर्ट्स में रिएक्ट करना है या किस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, स्पीड वगैरह आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें आप सीखते हैं, अभी आगे के चैप्टर्स में आप सीखेंगे।
तो ये सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, जो कि आगे स्पोर्ट्स में काफी कुछ हेल्पफुल होता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ते ही इसलिए कि आपको मेनली स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड नॉलेज आपको मिल सके। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ यानी काफी कुछ आपको गेन करने के लिए मिलता है। देन स्पोर्ट्स लवर, जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स वगैरह बहुत पसंद है, उनको फिजिकल एजुकेशन काफी कुछ सिखाता है कि एक अच्छा स्पेक्टेटर कैसे बनना है, स्पोर्ट्स में कैसे आप अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई आप आगे तक करते हैं तो उसमें एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपको चुनना होता है और उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती है। तो अगर हम बात करें कि एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन या स्पोर्टमैनशिप आपको कैसे क्रिएट करनी है अपने अंदर, तो उसके लिए काफी कुछ आपका फिजिकल एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट गेम्स, आपको फिजिकल एजुकेशन में नॉलेज अबाउट गेम्स मिलता है। जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें अगर आपने खरीद ली हो प्रैक्टिकल फाइल, तो आप अगर उसको खोल के देखें तो उसमें डिफरेंट गेम्स के बारे में दिया हुआ है, बैडमिंटन कैसे खेलेंगे, फील्ड कैसी होनी चाहिए, गैजेट्स क्या हैं, क्रिकेट में क्या चीज यूज होती है, और आपके वॉलीबॉल फुटबॉल, इन सारे गेम्स के बारे में आपको यहाँ नॉलेज मिलती है फिजिकल एजुकेशन में। तो किसी भी एक गेम को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर हर तरह के गेम को सीखना चाहते हैं तो उसकी स्किल, टेक्निक, उसके रूल्स रेगुलेशन, इन सब की नॉलेज आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन में मिलती है। नेक्स्ट वन इज गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। एक जो बच्चा है, अगर वो अपने दिमाग को खेल में और पढ़ाई में डिवाइड करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से उसकी हेल्थ हो पाएगी, वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएगा रादर देन वो किसी और जगह अपना दिमाग लगाए। तो गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, एक जो टाइम है एक बच्चे का या किसी पर्सन का, वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है जब वो उसे प्रोडक्टिव वे में लगाता है यानी गेम्स वगैरह में लगाता है। तो फिजिकल एजुकेशन इस तरीके से माइंड मेकअप करता है किसी पर्सन का कि जो दिमाग है वो खेलकूद की तरफ और पढ़ाई लिखाई यानी जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट बच्चे को पसंद हो उसकी ओर और ज्यादा उसे मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट है डेवलप पर्सनालिटी। बिल्कुल, आपके फिजिकल एजुकेशन में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, एक्टिवनेस उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन, स्मार्टनेस, लीडरशिप कैसे डेवलप करते हैं, माइंड को अलर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप आगे फर्दर चैप्टर्स में सीखेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट है इम्प्रूव सोशल क्वालिटीज, क्योंकि आप जब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तो उसमें सोशल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि आप लोगों से सोशलाइज कैसे होते हैं, लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो लोगों के बीच आपको एज अ लीडरशिप इमर्ज करे। तो ये सारी चीजें आप इन फिजिकल एजुकेशन के फर्दर चैप्टर्स में सीखते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं आपकी सोशल क्वालिटीज को भी, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को भी काफी अच्छा बूस्ट करता है। देन है आउटलेट टू इमोशंस, इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, फिजिकल एजुकेशन अलग अलग एक्सरसाइजेस के हेल्प से और गेम्स वगैरह के थ्रू एक पर्सन के इमोशंस को कंट्रोल करवाना सिखाता है, साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्रेशन को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ सीखते हैं। सो आउटलेट टू इमोशंस, इमोशंस को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, ये चीज आप यहाँ सीखते हैं। देन टीचेस मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज आप सीखते हैं क्योंकि जब आप गेम से अटैच होते हैं तो कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज आपके अंदर आती ही हैं कि हमें पूरी टीम के साथ खेलना है, हम अकेले खेलेंगे और खुद के मतलब के बारे में सोचेंगे तो हम कभी नहीं जीत सकते, हमें पूरी टीम को लेकर जीतना होता है। तो ये टीम बिल्डिंग जो है, पेशेंस जो है, टॉलरेंस बहुत जरूरी है आपके स्पोर्ट्स में, आपको हेल्पफुल होना चाहिए, ओबीडियंस इसलिए जरूरी है कि आप रूल्स रेगुलेशन को मानकर गेम खेलें, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके अंदर डेवलप हो पाती हैं जैसे जैसे आप फिजिकल एजुकेशन को आगे पढ़ते हैं, किसी एक गेम पर वर्क करते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज, मॉरल वैल्यूज जो हैं वो एक पर्सन में डेवलप होती हैं। देन चीयरफुल लाइफ, एक चीयरफुल लाइफ आप जीना सीख लेते हैं क्योंकि कहीं पर भी आप अगर कहीं गेम वगैरह में इन्वॉल्व हो जाएं तो आपके बाकी सारे जितने स्ट्रेस हैं वो उनसे आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ चीयरफुल हो सकती है, फिजिकल एजुकेशन इस तरीके से आपको गाइड करता है, स्पोर्ट्स की ओर इस तरीके से आपको मोड़ता है कि आपकी लाइफ चीयरफुल, एंथुजियाज्म, खुशी से भरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग स्ट्रेस से हटके स्पोर्ट्स की ओर हो जाएगा। देन लास्ट पॉइंट इज मेक गुड सिटीजन।
एक अच्छा सिटीजन आप बनते हैं, ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में भी कल मैंने पढ़ाया था कि इतनी सारी डेवलपमेंट और ये सारी चीजें होंगी अगर पर्सन के साथ, तो वो फाइनली एक अच्छा सिटीजन बन के इमर्ज हो सकता है फॉर दी कंट्री। तो एक्टिव मेंबर, गुड सिटीजन, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मेंटल स्टेटस का ध्यान रखेंगे, सोशलाइज रहेंगे, एक्टिव लाइफ जिएंगे, तो एक अच्छे सिटीजन का रोल आप प्ले कर सकेंगे। सो लास्ट पॉइंट आपका, मेक गुड सिटीजन। सो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट, ये मेन आपका मोटो रहता है फिजिकल एजुकेशन में, कि आप बिल्कुल अच्छे से, खुशी से, और मोस्ट, लिव मोस्ट का मतलब है बिल्कुल खुल के जिए, और सर्व बेस्ट का मतलब है आपका कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्ट्रीब्यूट करें लोगों के साथ, लोगों की हेल्प करें। तो सर्व बेस्ट आपका यहाँ एक टैगलाइन रहती है कि लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। तो ये चीज लेकर फिजिकल एजुकेशन अपनी इम्पोर्टेंस को शो करता है। सो यहाँ पे आपकी खत्म हुई कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब इसका एक ये होता है कि इतने सारे पॉइंट याद करने हैं तो ऐसा नहीं है। आपके पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इम्पोर्टेंस पूछ रहा है तो आप 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स भी बता देंगे तो बहुत सफिशियंट है आपके लिए आंसर पूरा मेकअप करने के लिए। सो सारे पॉइंट्स नहीं आपको पढ़ने हैं, 6-7 पॉइंट्स पर फोकस करिए तो वो अच्छा खासा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा। बाकी पेपर का पैटर्न वगैरह कैसा होता है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी अभी आपने सिलेबस अपना शुरू किया है तो बहुत जल्दी आपको नीड नहीं है कि सिलेबस मतलब आपका पेपर कैसा आता है। तो पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पैटर्न बताएंगे कि पेपर कैसे आता है और यही पैटर्न आपका बोर्ड में कैसे फॉलो होता है। सो आगे के वीडियोस भी जरूर देखिए। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है एक नया टॉपिक जो कि पिछले साल तक नहीं था, इस साल है, लास्ट ईयर था, तो वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, जैसे प्लेइंग सरफेस कैसी होती है, ग्राउंड्स वगैरह कैसे होते हैं, कौन कौन से गैजेट्स पर स्पोर्ट पर्सन को पहनने चाहिए, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं स्पोर्ट से रिलेटेड, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आगे के वीडियोस भी जरूर देखिएगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि उनके लिए भी टॉपिक्स क्लियर हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।